अमेठी से नवनिर्वाचित सांसद स्मृति ईरानी के करीबी बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह को अज्ञात बदमाशों ने देर रात घर के बाहर गोली मार दी। घटना उस वक्त की है जब वो अपने घर के बाहर लेटे हुए थे। घायल सुरेंद्र सिंह को लाहले अस्पताल ले जाया गया और फिर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस घटना से जहां एक और गांव में कोहराम है, तो वहीं इसे चुनावी रंजू से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इसी गांव में स्मृति ईरानी के सहयोग से जूता बांटा गया था, जिस पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि जूता बांटकर अमेठी की बेइज्जती की गई है। ये वही गांव है जिसे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पारिकर ने गोद लिया था। अब रात में कहीं से आए निमंत्रण वगैरह से, और उसके बाद खाना वाना खाए, खा के लेटे, और लेटने के बाद जब कोई 11:30 बजे तकरीबन शायद आंख लग गई होगी, तब किसी ने गोली मारी। अब देखिए, इसमें ऐसा है कि ये सोए हुए थे अपने बरामदे में, रात्रि में करीब 3 बजे के लगभग इनको किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में हम लोगों ने कुछ लोगों को संदिग्ध जो है उनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है, कुछ और जानकारी मिल रही है, उस पर कार्रवाई चल रही है, घटना का सफल अनावरण करेंगे। संवाद 365 के लिए अमेठी से मनोज चंद की रिपोर्ट।